यहाँ कितनों साफ करिए, सफाई के लिए में गंदगी बहुत रहता है। यहाँ के पब्लिक लोग भी गंदा करते हैं, मलाहे लोग भी यहाँ पर इस लेबर भाग जाते हैं काम करते करते। यहाँ 4 लेबर हैं, 3 लेबर की रेबरल काम करते हैं, बाकी आते हैं धुपा के वजह से भाग जाते हैं। सुपरवाइजर से इंडवास मांगेंगे वो नहीं देता है, बोलता है वेतन मिलेगा तब देंगे, इसीलिए सुपर इसमें नहीं टिकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा घाट है, 7,000 रुपया मिलता है। कितना? 7,000। बस वो इसीलिए सब काम देख देख के भाग जाते हैं। नीचे का भी सफाई होता है अच्छी तरीके से, तो गट्ठर उठर आता है नहीं, कूड़े का गट्ठर गीला गीला जो निकलता है घाट में से। जी इसमें नागा करेंगे तो वेतन काट लेता है, इसमें एक छुट्टी नहीं है, दिक्कत परेशानी बहुत है इसमें। और लेबर आते हैं काम करते हैं तो पटांग बोलता है, बड़े बड़े गट्ठा उठाने लगता है, लेबर भाग जाते हैं छोड़ के, कोई धुपा में जान थोड़ो देगा। काम तो जितना होना चाहिए उतना हो ही रहा है, मगर हम लोग को जितना पगार मिलना चाहिए नहीं मिलता है। कितना पगार मिलता है? 6,700। कहाँ है बढ़ाने के लिए बोले हैं, जा कहे हैं साहब की बढ़ेगा पैसा। पर ये यहाँ का हालात जो देख रहे हैं तो खत्म बदते बदतर हो रहा है। हाँ वो तो ये है, बस इसलिए हो रहा है साहब कि आदमी कुछ हैं, कुछ भाग गए, कुछ बैठे हैं, अब यही दिक्कत, पैसा नहीं टाइम से मिलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है पेमेंट के बारे में, 2-2 महीना हो जाता है तो पेमेंट मिलता है। अब बताइए कि ऐसे 2 महीना में पेमेंट मिलेगा तो कैसे चलेगा घर गृहस्थी है। अब काम तो इतना ज़्यादा काम होता है कि 20-22 लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं, नए आते हैं पुराने जाते हैं, नए आते हैं पुराने जाते हैं, ये तो चल रहा है। सिर्फ ये हम लोग 2-4, 5, 10, 20 लोग हैं कि काम संभाले हुए हैं। पेट तो नहीं भरता है भैया, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, इधर उधर से पूरा करना पड़ता है, 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाना पड़ता है। अब यही तो मजबूरी है और क्या है, बच्चे हैं 2 ठे तो उसको खर्चा चलाते हैं। कैसे चलता है खर्चा आप लोग का इतने कम पैसे में? वैसे लेते हैं, तनख्वाह पाते हैं तो देते हैं, अब जिससे लेते हैं महीना पर खर्चा चलाते हैं, फिर पाते हैं पैसा तो उनको देते हैं। आप लोग पैसा ब्याज पे भी लेते हैं क्या, उधार उधार जो लेते हैं ब्याज पे? नहीं चलेगा, ब्याज पे लेती हैं। जब नहीं चलता है, मजबूरी आ गई भाई, कोई कार प्रयोजन पड़ गया, या लड़की लड़का का शादी ब्याह करना हुआ, या और कोई काम करना हुआ, तो समय से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो हमें तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जहाँ 5 नया आदमी देते हैं वहाँ 10 नया 20 नया कहेंगे हमारा वो गर्ज है, तो हम तुरंत लेंगे, पहले अपना काम करेंगे, सोचेंगे कि चलिए बाद में दिलाता रहेगा, अब यही सोच के हम लोग लेते हैं सर और क्या। जो आप लोग का जो PF कट रहा है 1,000 रुपये का, वो उस तरह का उसका कोई कागज मिला है आप लोग? खाली अनुभव में आदमी जिंदे हैं कि मेरा कट रहा है, भरोसे पे। आपको कोई कागज? नहीं, हमको भी नहीं। आपको? कोई को नहीं मिला है। यहाँ पर कोई भी जो आप लोग बैठे हुए हैं, क्या किसी को जो है आपके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है आप लोग को ग्लव्स या आप लोग का ड्रेस और या आप लोग को जो मास्क होता है चेहरे पे जिससे आपको इन्फेक्शन हो, वो क्या आप लोग को नहीं मिला? नहीं, ये सब हम लोग को नहीं मिला, खाली एक वर्दी यही मिला है बस, न मास्क मिला है, न हाथ का दस्ताना मिला, हम लोग को कुछ नहीं। सरकार को हम लोग को हाथ का दस्तान देना चाहिए, क्योंकि हाथ गंदा होता है उससे बीमारी होता है। नहीं, वो नहीं दिए हैं, 2 चीज़ हम लोग को नहीं दिए हैं, एक मुंह पर ढकने वाला और हाथ का दस्तान, बस ये सेट मिला हुआ है, 30 सेट बस। मोदी जी जब आए थे तो ड्रेस मिला था हम लोग को, अब 2 दिन तक हम लोग इसी घाट पर रह गए, घर नहीं गए। अभी मोदी जी आए थे, हाँ जी, सफाई था, हाँ सफाई था। कहाँ से लेबर सारे आए थे, वो कहाँ चले? वो पकड़ के लाए थे, बाजार से पकड़ के लाए थे, मंडी से। वो काम करने के बाद उसको पैसा दिया गया, वो चले गया, फिर अपना लेबर जो है वो आता जाता रहता है। घाट पे टोटल 7 आदमी हैं सुबह में और शाम में 5 आदमी हैं। मोदी जी जब आने वाले थे तो रात को 1 बजे
लगे थे लोग, सुबह हो गया करते करते जब मोदी सुबह जी सुबह आने वाले थे तो पूरा ओके हो गया था रात में। फिर दिन में भी कर रहे थे अपना धीरे धीरे हल्का फुल्का जो था कूड़ा कचरा सब फेंक टाक रहे थे तो गए। फिर संध्या को लग गया 2 बजे के बाद फिर चालू हो गया काम, डबल होता है काम। नमामि गंगे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़े बड़े दावे हैं, बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पर जो सुविधाएं मूलभूत से इनको मिलनी चाहिए, इनको सैनिटेशन पर्पज से इनको ग्लव्स मास्क कोई भी चीज़ इनको नहीं मिलता है। और ख़ास करके कहना ये है कि जब मोदी या कोई भी VIP यहाँ पर आता है घाट पर आरती के वक्त, तो इस घाट को घाट पर इनका इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है काम करने को लेकर के। 3-3 दिन तक शायद ये अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, खाने को लेकर के जो है कोई इनको पूछने वाला तक नहीं होता है।